बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस की तरफ से सबको वेलकम, खुश आमदीद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी और टिप्स अच्छी लगें तो दिल खोलकर अपने लव्ड वन के साथ, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी और टिप्स कैसी लग रही हैं, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट्स में, शुक्रिया। तो चलिए फाइनली चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी, यमी और क्विक से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बच्चों को, बड़ों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। स्पेशली उन लोगों को जरूर बना के खिलाएं जो सब्जियाँ शौक से नहीं खाते। इस तरह से इंशाल्लाह सब बच्चे बड़े बहुत शौक से सब्जियों को इंजॉय करेंगे। तो चलें फाइनली रेसिपी की तरफ चलते हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैंने कुछ सीजनल वेजिटेबल ली हैं, दो मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, एक मैंने जुकीनी ली है और एक मैंने गाजर ली है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वान्टिटी को डबल कर लें। सारी चीज़ों को धो लेना है, छील लेना है और कद्दूकश के साथ आपने इस तरह से क्रश कर लेना है। अगर जुकीनी आपके पास नहीं हो तो इसकी जगह पे आप लौकी का कद्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसको किसी बाउल के ऊपर रखें और सारी क्रश की हुई वेजिटेबल उसके ऊपर डाल दें। उसके बाद आपने सिंपली इसको दबा के इसका पानी जो है अपनी सब्जियों का वो निकालते हैं ना, ये पानी भी बहुत यूज़फुल है। अगर कोई जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके पूछेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या करेंगे इस पानी का। तो देखें, ये सब्जियाँ हमने डालनी है बाउल के अंदर। एक टेबलस्पून बाइंडिंग के लिए हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक अपने जायके के हिसाब से हाफ टी स्पून मैंने लिया, 1/4 टी स्पून क्रश वाली मैंने काली मिर्चें ली, अगर क्रश नहीं हो तो पाउडर ले लें। अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे हल्के हल्के हाथों से, बस ज़ोर ज़ोर से नहीं आपने इसको गूंदना। तो देखें इस तरह से दबा के देखें और ये शेप इसकी बन रही है। अगर आपको लगेगा ये खुल जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये जब आप कुक करेंगे खुलेगा नहीं। आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में कुक कर लें, बेक कर लें, या तवे पे या पैन के अंदर हल्का सा ऑयल डाल के, मैंने एक टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसको मीडियम पे गरम किया है और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे जितनी आसानी से ये आएँगे हमारे कटलेट्स। तो चलें, डालने के फ़ौरन बाद आपने नहीं हिलाना, 2 से 3 मिनट के बाद आपने पहली दफ़ा इसकी साइड चेंज करनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, तब तक कुक करना है जब तक दोनों साइडों से ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाए। तो देखें ये दोनों साइडों से अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन हो गए, बहुत ही कम ऑयल में देखें आपने बनाए और बहुत ही मज़े के हेल्दी से देखने लग रहे हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है डिश आउट करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी, यम्मी सी और क्विक सी रेसिपी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बना के ज़रूर ट्राई करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोलकर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करें, कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दें और थम्सअप करना नहीं आपने भूलना। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल के बटन को प्रेस कर दें, उसे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ रब रखा। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड एंड फ्रेश इज द बेस्ट। कीप वॉचिंग कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस फॉर मोर यमी, हेल्दी, क्विक एंड वेट लॉस रेसिपीज। बाय, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।